वा बिन जुबैर ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ मुताहरा हज़रत आयशा आयशरल्ला ने बयान किया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने वालदेन को इसी दीन इस्लाम का पैरोकार पाया और अबू साल सुलेमान ने बयान किया कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया उनसे यूनुस ने और उन से ने बयान किया कि मुझे बिन जुबैर ने ख़बर दी और उनसे आयशर रदी ने बयान किया कि मैंने जब होश संभाला तो अपने वालदान को दीन इस्लाम का पैरोकार पाया कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों वक्त तशरीफ़ ना लाते हों फिर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो अबू बकर बकरों ने भी हजरत हफ् का इरादा किया जब आप बरकुलग़मत पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात कारा के सरदार मालिक बिन दोगना से हुई उसने पूछा अबू बकर कहाँ का इरादा है अबू बकरों ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है और अब तो यही इरादा है कि अल्लाह की ज़मीन में सैर करूँ और अपने रब की इबादत करता रहूँ इस पर मालिक अपने दगना ने कहा कि आप जैसा इंसान अपने वतन से नहीं निकल सकता और न उसे निकाला जा सकता है क्या आप तो मोहताजों के लिए कमाते हैं सिला रहमी करते हैं मजबूरों का बोझ अपने सर लेते हैं मेहमान नवाजी करते हैं और हादसों में हक बात की मदद करते हैं आपको मैं अमान देता हूँ आप चलिए और अपने ही शहर में अपने रब की इबादत कीजिए चनाचा इब दगना अपने साथ अबू बकरों को ले आया और मक्का पहुँच कर कुफ़ार कुरेश के तमाम अशराफ़ के पास गया और उनसे कहा कि अबू बकर जैसा नेक आदमी अपने वतन से नहीं निकल सकता और ना उसे निकाला जा सकता है क्या तुम ऐसे शख्स को भी निकाल दोगे जो मोहताजों के लिए कमाता है और जो सिला रहमी करता है और जो मजबूरों और कमज़ोरों का बोझ अपने सर पर लेता है और जो मेहमान नवाजी करता है और जो हादसों में हक बात की मदद करता है चुनाचा कुरेश ने अपने दगना की अमान को मान लिया और हज़रत अबू बकर बकरों को अमान दे दी फिर इमने दगना से कहा कि अबू बकर को इसकी ताक़द कर देना कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में कर लिया करें जिस तरह चाहें नमाज पढ़ें और कुरान की तलावत करें लेकिन हमें इन चीज़ों की वजह से कोई एजा न दें और ना इसका इजहार करें क्योंकि हमें इसका डर है कि कहीं हमारे बच्चे और हमारी औरतें फितने में न पड़ जाएं। इबन दगना ने ये बातें जब हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह को सुनाई तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे न नमाज़ में किसी कस्म का इजहार करते और न अपने घर के सिवा किसी दूसरी जगह तिलावत करते फिर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह ने कुछ दिनों बाद ऐसा किया क्या आपने अपने घर के सामने नमाज के लिए एक जगह बना ली अब आप ज़ाहिर होकर वहाँ नमाज पढ़ने लगे और इसी पर तिलावत कुरान करने लगे बस फिर क्या था मश्रकिन के बच्चों और उनकी औरतों का मजमा लगने लगा सब हैरत और ताजुब की निगाहों से उन्हें देखते अबू बकरों बड़े ही रोने वाले थे जब कुरान पढ़ने लगते तो आंसुओं पर काबू न रहता इस सूरत हाल से अकाबिल मशरकिन कैश घबराए और सब ने इब्न दगना को बुला भेजा इबन दगना उनके पास आया तो उन सब ने कहा कि हमने तो अबू बकर को इसलिए अमान दी कि वो अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करेंगे लेकिन वो तो ज़्यादती पर उतर आए और घर के सामने नमाज पढ़ने की एक जगह बना ली है नमाज भी सबके सामने ही पढ़ने लगे हैं और तिलावत भी सबके सामने करने लगे हैं डर हमें अपनी औलाद औरतों का है कि कहीं वो फितने में न पड़ जाएं। इसलिए अब तुम उनके पास जाओ अगर वो इस पर तैयार हो जाएं कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर के अंदर ही करें फिर तो कोई बात नहीं लेकिन उन्हें इससे इनकार हो तो तुम उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी अमान हम तोड़ें लेकिन इस तरह उन्हें इजहार और ऐलान भी करने नहीं देंगे हज़रत आयशा रदी ने बयान किया कि इसके बाद इब्न दगना हज़रत अबू बकर के पास आया और कहा कि आपको मालूम है वो शर्त जिस पर मेरा आपसे अहद हुआ था अब या आप इस शर्त की हदूद में रहें या मेरी अमान मुझे वापस कर दें क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे कि मैंने एक शख्स को अमान दी थी लेकिन वो अमान तोड़ दी गई हज़रत अबू बकर उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ मैं तो बस अपने अल्लाह की अमान से खुश हूँ रसूल करीम सलील वसलम उन दिनों मक्के ही में मौजूद थे आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है मैंने एक खारी नमकीन ज़मीन देखी है जहाँ खजूर के बागात हैं और वो दो पथरीले मैदानों के दरमियान में है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजहार फरमा दिया तो जिन मुसलमानों ने हिजरत करनी चाही वो पहले ही मदीना हिजरत करके चले गए बल्कि बाज़ वो सहाबा रज़ी भी जो हिजरत करके हबशा चले गए थे वो भी मदीना आ गए हज़रत अबू बकर भी हिजरत की तैयारियाँ करने लगे तो रसूल सल्हुह वसम ने उनसे फ़रमाया जल्दी न करो उम्मीद है कि मुझे भी जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ने पूछा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों क्या आपको इसकी उम्मीद है आप सल असलम ने फ़रमाया कि हाँ ज़रूर चुनाचा हज़रत अबू बकरीक़ ऱी रसूल सल्ह वसम का इंतज़ार करने लगे ताकि आपके साथ हिजरत करें उनके पास दो ऊँट थे उन्हें चार महीने तक वह बबूल के पत्ते खिलाते रहे सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ सत्तानवे